आप अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर सकते हैं क्योंकि आगे बड़ी कंजेस्टेड है ये रोड। और इसके बाद जैसे ही आप एंट्री करते हैं चकराता में तो सामान खुद ले जा सकते हैं। और मैं आपको सबसे पहले होटल दिखाऊंगा। ये आपकी एंट्री मार्केट में हो गई है। और भाई विक्की ठीक, जहां आपने गाड़ी खड़ी की वहीं पे एक विक्की रेस्टोरेंट है जिसमें समोसे, छोले भटूरे और छोले चावल परांठे मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं आप, यहाँ पे चांदनाज के मोमो बहुत फेमस है और पराठा। और ये गुरुंग रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको नॉन वेज मिलता है, बेकरी, चॉकलेट, पेस्ट्री सब। और ये पहला होटल आपका आशियाना होटल के नाम से है और इनका ही एक स्नो व्यू भी नाम से होटल है इनका। नंबर आप देख सकते हैं, आशियाना यहाँ का सबसे पहला एक तरीके से स्टे के लिए अवेलेबल है। उसके बाद आप सूरवीर भाई के मोमो भी खा सकते हैं, बड़े अच्छे। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये है मेरे दाहिने हाथ पर मनाली रेस्टोरेंट। यहाँ भी आपको मोमोज और थुपका चाइनीज़ डिश मिलती है। और ये भी एक आपके लिए अच्छा ईटिंग ऑप्शन है जो लोग नॉन वेज मोमो और चाउमीन वगैरह खाते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो ये चौराहा आ जाता है, गुलाब सिंह जी की स्टेचू लगी हुई है और यहीं पे है ये जनता रेस्टोरेंट। ये रास्ता गया यहाँ के हॉस्पिटल के लिए और चिंता महादेव मंदिर। और यहाँ भी थोड़ी सी पार्किंग फैसिलिटी है लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क कीजिए। और सबसे फिर यहाँ पर SBI ATM के पास आपको सिडार होम नाम से ये होटल मिलता है बिल्कुल मार्केट में, इसका नंबर आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से फिर आप ऊपर को चलते हैं, ये रास्ता भी बड़ा कंजेस्टेड है, यहाँ पर गाड़ी ले जाना मुश्किल है क्योंकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ गई तो फिर आपको बचाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास स्टे का है, ये होटल उत्तरायण है यहाँ पे। ये भी अच्छी जगह है, मार्केट में ही है। यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। और ये आगे चलते हैं जब सामने जैन होटल भी है, यहाँ भी एक आपके पास स्टे का ऑप्शन है मार्केट एरिया में। इनका भी नंबर आपको हमारी वीडियो में दिख जाएगा। जय हो। ये भी एक आपके पास स्टे ऑप्शन है मार्केट में। और ये अभी एक दीपाली होम स्टे भी बन गया है, ये भी बिल्कुल मार्केट में है, ये भी आपके पास एक स्टे ऑप्शन है। तो बहुत से हमारे साथी वाइन शॉप भी ढूंढते हैं तो ये वाइन शॉप भी यही है। और इसी के सामने रावत जी की चाय की दुकान भी है जहां आप बॉयल्ड एग, चो और ऑमलेट वगैरह नमस्ते मिल जाता है। ये चकराता चौक बोला जाता है ये एरिया, यहाँ पर ये सड़क समाप्त होती है और इसके बाद फिर पैदल ही रास्ता है। यहाँ पर शेर पंजाब नाम से होटल है जहाँ आपको तंदूरी रोटी, चिकन मटन और जो भी नॉर्थ इंडियन डिशेज हैं मिल जाती हैं। तो यहाँ का खाना बड़ा लजीज स्वादिष्ट है। ये पानी की टंकी है दोस्तों, अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई। ये थोड़ा चकराता के पुराने घर। और अभी फिर जो दो स्टे ऑप्शन है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बजट ऑप्शन में राजा होम स्टे
बिल्कुल मार्केट में है ये भी। नंबर आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं। और ये ओनर हैं राजा जी, इस गेस्ट हाउस के। राजा जी बताइए ज़रा, आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध है? सर हमारे पास सारी फैसिलिटी है, आप आके देखिए। वुडन रूम है हमारे पास। अच्छा, टॉयलेट बाथरूम अटैच है। बहुत बढ़िया। वाईफाई लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। अच्छा, वाईफाई लगा दिया। अरे सर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने भी यूज़ करना, कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बड़ा अच्छा है कि स्टे का ऑप्शन है। राजा जी नमस्कार जी, इन्होंने शुरू किया है और मार्केट में है बिल्कुल। बड़े अच्छा इनका, टूरिस्ट फ्रेंडली। इसके बाद फिर थोड़ा हम जब नीचे चलते हैं तो यहाँ पर भी एक बजट ऑप्शन है, राणा गेस्ट हाउस के नाम से। तो राणा जी भी ये बिल्कुल, जो हमारे टूरिस्ट बजट ट्रैवलर हैं उनके लिए ये ऑप्शन भी सूटेबल है यहाँ। ये इनका नंबर भी है। और फिर ये थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का एक होटल खुला है, MRB रेजिडेंसी। ये भी राइट मिडल इन द मार्केट है। ये भी हम थोड़ा अंदर से आपको दिखा देंगे नंबर इनका। नमस्कार भाई, नंबर लिखा हुआ है कहीं आपका फ़ोन नंबर कहीं को? मोटा मोटा लिख देते तो। ये इनका रेस्टोरेंट है MRB का। बड़े अच्छे रूम है इनके भी। है कोई खुला रूम? रूम खुला है कोई? बड़ा अच्छा व्यू भी मिलता है यहाँ से। एक रूम दिखा दो आपका, रूम का वो हो जाएगा टूरिस्टों के लिए। तो MRB जो है ये बड़ा अच्छा व्यू है इसका। और जो इनका टॉप ऊपर जो बनाया है वो, उसमें ज़्यादा लोग भी रह सकते हैं वहाँ के। तो ये एक रूम भी आपको हम दिखा देंगे। ये रूम है इनका MRB, पूरा वुडन पैनलिंग। और बड़ा अच्छा व्यू मिलता है इधर, बिल्कुल बाहर ग्रीनरी। और ये भी इधर से भी आप सामने का व्यू, फ्रंट व्यू बहुत अच्छा है इनका। और टॉयलेट वगैरह भी बड़े अच्छे, नीट एंड क्लीन। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे अपना इनका खुद का रेस्टोरेंट भी है। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन, जो लोग मार्केट में रुकना चाहते हैं उनके लिए MRB भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है।